अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। और आज आपके सामने फाह सुल्तान है और आप देख रहे हैं फाह सुल्तान व्लॉग्स। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और एक नई वीडियो के साथ हम आज का व्लॉग शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कितनी धूप निकली हुई है, धूप की इंतहा हो गई है और हम फिर भी व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि व्लॉग तो बनाना पड़ेगा, इसलिए हम व्लॉग्स बना रहे हैं। तो अभी हम नहा के नमाज़ पढ़ के और छत पे आए हैं, जोहर की नमाज़ पढ़ ली है, टाइम हो गया है, डेढ़ बज गया है टाइम और धूप काफ़ी निकल चुकी है, इंतहा हो गई है धूप की। तो मैं अभी अगले सेक्शन में चलता हूँ। तब ओफ, तो हम अगली जगह पे पहुँच गए हैं। गर्मी की शिद्दत है यार, मैं आपको बता नहीं सकता। तो अभी आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, हमने गमले लगाए हुए हैं अपने घर के अंदर और इसके अंदर काफ़ी सारे पौधे हैं, अभी गिनती में आपको गिरा नहीं सकता। तो हम आपको करीब करके एक पौधा दिखाएंगे, तब तक के लिए आप आगे। बात कुछ इस तरह है कि मैं जो है ना पहले एक बात बता दूँ आपको, जून की 2 तारीख हो गई है और गर्मी की इतनी को शिद्दत पड़ रही है दोस्तों कि आपको हम नहीं बता सकते। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर जाने का कोई हाल नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है। और हमने छत पे पौधे लगाए हुए थे, उनमें से कुछ ख़राब भी हो गए हैं, तो बाकी जो रह गए हैं आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह आज उनकी हरियाली काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, तो मैंने सोचा आपको भी इस हरियाली में शामिल किया जाए और आपको दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो अभी मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। तो सबसे पहले जिस पौधे की बारी आती है वो टमाटर का पौधा है। दोस्तों, इसको तकरीबन 1 मंथ होने को आ गया है, लेकिन यार ये पता नहीं उग नहीं रहा, मुझे इसकी समझ नहीं आती। अगर आपको इस बारे में कुछ इलम है तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपकी हेल्प हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी, इसलिए आपने मुझे ज़रूर बताना है कि इनकी ग्रोथ किस तरह होगी। तो दूसरे नंबर पर इस पौधे की बारी आती है और ये तो आप देख सकते हैं जल रहा है धूप की वजह से, और पता नहीं किस तरह, इसकी भी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये किस तरह ठीक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने ऐसे खूबसूरती के लिए लगाए थे पौधे, ये रोज़ाना इसके कोई 2, कभी 3, कभी 4 फ्लावर निकलते हैं और फिर शाम होने तक बंद हो जाते हैं, मतलब वो फ्लावर ख़त्म हो जाते हैं। और चौथे नंबर पर इसकी बाड़ी आती है, ये है माशाल्लाह माल्टे का पौधा। ये अभी हमने चंद हफ्ते पहले इसके बीज लगाए थे, तो अभी ये इसके माशाल्लाह इतने इतने पौधे हो गए। तो उसके बाद आ जाता है ये वाला पौधा, ये भी सेम इसी तरह का, ये जो पीछे गुजरा है जिसके अंदर रेड फ्लावर लगा था। और इसके बाद ये आ जाता है लीमू का, इसके भी यार काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन कभी जो है ना 3-4 इसके अंदर से बीज निकलते हैं और फिर थोड़े से बड़े होते हैं और फिर सड़ पूछ के ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है ये अमरूद का, माशाल्लाह आप देख के खुश होंगे कितना माशाल्लाह बड़ा हो गया ये, इसको मैंने बड़ी मेहनत से पाला है, छोटा सा था तो आप देखें कितना बड़ा हो गया। इसी के साथ ये एक जामुन का लगा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया, इसकी तो टहनी भी यहाँ तक जा रही है, क्या बात है। तो यही हमारे पास पौधे लगे हुए थे और कुछ मिर्चों के पौधे भी थे, वो ज़रा थोड़ा सा आगे हैं तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, तब तक के लिए हमारे दोस्तों ये हैं मिर्चों के पौधे, आप देख सकते हैं मेरे छोटे भाई ने लगाए थे, छोटे छोटे इतने इतने बीज हमने मिर्चों से निकाल के उनको धो के उनको सुखा के तो फिर हमने इनके अंदर लगाया था। अभी ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो तब हम इनको खुली जगह पे लगाएंगे, फिर ये इतने इतने बड़े होने के बाद जो है ना अपनी जो है ना जो इनके ऊपर मिर्चें लगती हैं वो फिर लगेंगी, फिर हम उनको उतारेंगे। इसी के साथ ये आगे आ जाएँ, ये भी थोड़े से टमाटर लगाए हुए हैं, ये भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कर रहे हैं और ये साथ बिल्कुल ये भी मिर्चें हैं और इनके अंदर 1-2 टमाटर के भी पौधे लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे पास दोस्तों पौधे और इन पौधों को हमने बड़ी मेहनत के साथ जो है ना उगाना शुरू किया हुआ है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पौधे आपको कितने अच्छे लगे और जिन पौधों के बारे में मैंने आपको कहा है कि ये ग्रोथ नहीं कर रहे, ये सड़े हैं, तो आप इनके बारे में मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये किस तरह ठीक हो सकते हैं। तो तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा, हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो गाइस, बात कुछ इस तरह है कि मेरा दिल कर रहा था गुड्डी चढ़ाने को, तो 3 बजने वाले हैं, 2:45 हो गए हैं। तो मेरा ना भतीजा आया था तो हमने कहा चलो गुड्डी बनाते हैं, तो मुझे तो जाच नहीं है, उसको जाच है, तो कहता चलो मैं बनाता हूँ। तो अभी आपको गुड्डी बनाने की वीडियो दिखाते हैं, फिर हम गुड्डी चढ़ाएंगे, तो आपको भी इंजॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी गुड्डी काटने लगा था, तो क्या कैसे काटनी है गुड्डी हमें भी साथ साथ बताओ। ये
अगर आपको गुड्डी बनानी आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप गुड्डी बनाते हैं या गुड्डा बनाते हैं या पतंग बनाते हैं, जो भी आपको बनानी आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप इस वक्त क्या गुड्डी चढ़ा रहे हैं कि नहीं चढ़ा रहे, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम छत पे आ गए हैं यार, नीचे वाली छत पे चढ़ नहीं थे यार। गुड्डी आप देख सकते हैं वो जा रही है हमारी आसमान, जैसे कि आप देख रहे हैं गुड्डी डूब गई थी, फिर मैंने उठा ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीधी आ रही है ऊपर, अब थोड़ी थोड़ी खराब कर रही है, इसकी एक तरफ टेप ज्यादा लग गई है यार, ये एक साइड पे कन्ना खा रही है। तो हम सोच रहे हैं इसको उतार लें, उतार के फिर दोबारा सही करके चलाते हैं, तब तक के लिए सब्र करें। दोस्तों गुड्डी तो हमसे उतर नहीं रही, नहीं उतर रही यार। तो अभी जो है ना हम नीचे उतारने लगे हैं, बड़ी दोपहर हो गई है और असर का टाइम भी होने वाला है, 3:30 हो गए हैं। तो मेरा कज़न भी जो है ना जाने वाला था, उसके मामा का फ़ोन आ गया। तो गुड्डी बस जल्दी जल्दी नीचे उतर जाए, फिर हम चलते हैं और व्लॉग जो है ना कंटिन्यू करेंगे बाद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब। तो अभी जो है ना व्लॉग मेरा रह गया था कंप्लीट करने वाला, तो सोचा व्लॉग कंप्लीट कर लिया जाए। और जो है ना भाई ने कहा था कि सिस्टम जो है ना दुकान पे छोड़ के आना है, तो अभी मैंने उसको तारें तोरे तार ली हैं, साफ़ कर लिया है, अभी उसको दुकान पर छोड़ने जाना था। तो सोचा व्लॉग कम्प्लीट कर लिया जाए, तो अभी मैं व्लॉग कम्प्लीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है आपको। इसी के साथ फाह सुल्तान को दीजिए इजाज़त, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर मेरी लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तब तक के लिए फाह सुल्तान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ।